ऑलराइट, शाओमी पाकिस्तानी मार्केट का दोस्तों एक काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। अगर ये कहा जाए कि शाओमी पाकिस्तानी मार्केट में अपने स्मार्टफोन की प्राइसेस अफोर्डेबल रखता है तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। खैर दोस्तों, शाओमी 11 लाइट आपको याद ही होगा, पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी स्लिम स्मार्टफोन शाओमी ने लॉन्च किया था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। इतना सक्सेसफुल कि इसका एक और वेरिएंट आया था 5G के तौर पर और वो भी पाकिस्तानी मार्केट में काफी सेल आउट हुआ था। अब इसी स्मार्टफोन का सक्सेसर आने जा रहा है Xiaomi 12 Lite। आज की वीडियो हमारी इसी स्मार्टफोन के ऊपर है, बताऊंगा आपको कंफर्म कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और खास तौर पर स्मार्टफोन की प्राइस क्या होने वाली है और ये स्मार्टफोन आपको पाकिस्तान की मार्केट में कब तक देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक जरूर कीजिएगा। डिज़ाइन की बात करें तो Xiaomi 11 Lite की तरह इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा कैची है, लेकिन मोबाइल फोन की बैक के कैमरा बम में थोड़ी सी तब्दीली कर दी गई है। बाकी कैमरा सेटअप में भी तब्दीली है, वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल मोबाइल फोन का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी दिलकश है। खैर मोबाइल फोन के इंटरनल से स्टार्ट करें, अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचज का एक एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर HDR10+ की सपोर्ट भी मिल जाएगी, 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन है, और यहाँ मोबाइल फोन के फ्रंट में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग भी है दोस्तों, अभी तक Xiaomi की तरफ से ये कंफर्म नहीं किया जा रहा कि मोबाइल फोन के फ्रंट में आपको कोई प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी या फिर नहीं। इसके अलावा मोबाइल फोन के फ्रंट पर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं हम स्मार्टफोन के बैक की, तो मोबाइल फोन के बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। यही नहीं, बाकी के दोनों लेंस ना ही पूछे तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर बाकी के दोनों लेंस प्रीवियस स्मार्टफोन यानी कि 11 लाइट वाले ही हैं, और यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलेगा। अब 108 मेगापिक्सल के बाद डायरेक्ट ये 8 मेगापिक्सल से 2 मेगापिक्सल पर आ जाते हैं, ब्रांड्स ये काम नहीं छोड़ रहे हैं, यानी हमें बताया कुछ जाता है दिया कुछ जाता है। आपको मोबाइल फोन के बॉक्स के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, लेकिन रियल में यहाँ पर ड्यूल कैमरा सेटअप ही है, 2 मेगापिक्सल की परफॉर्मेंस आपको क्या मिल पाएगी दोस्तों। खैर मोबाइल फोन की अगर हम कैमरा क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल बेटर होगी, 4K में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मोबाइल फोन के बैक कैम से, जबकि फ्रंट पर आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल रही है, लेकिन इतना बड़ा सेंसर होने के बावजूद आपको 1080 की ही वीडियो रिकॉर्डिंग मिल पाएगी। इसके अलावा दोस्तों इस मोबाइल फोन के कैमरा में आपको नाइट मोड भी देखने को मिलेगा, जो कि मोबाइल फोन के बैक और फ्रंट दोनों ही कैम में आपको वर्क करता दिखाई देगा। बाकी कैमरा की स्पेक्स आपको वही मिलने वाली हैं जो कि हर एक कैमरा मोबाइल फोन में होती हैं। इसके अलावा अब अगर हम बात करें स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर अब की बार काफ़ी बड़ा चेंज कर दिया गया है। अब की बार यहाँ पर आपको 5G चिपसेट देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 778G का। जी हाँ दोस्तों, अब अगर मैं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मल्टीटास्किंग कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके साथ साथ अगर आप पबजी वगैरह खेलते हैं तो भाई कोई हीटिंग के इश्यूज वगैरह नहीं होने वाले, 5G चिपसेट है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको स्मूथ पर एक्सट्रीम जैसे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। बाकी आपको यहाँ पर HDR की भी सपोर्ट शायद देखने को मिले, अभी कंफर्म नहीं है, जैसे स्मार्टफोन लॉन्च होगा तो ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। मैं चिपसेट को देख के आपको ऑन पेपर परफॉर्मेंस का आइडिया दे रहा हूँ, बाकी जैसे स्मार्टफोन लॉन्च होगा ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एंड में बात कर लेते हैं हम स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ की, तो बैटरी थोड़ी सी छोटी ज़रूर है लेकिन फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। 4300mAh की बैटरी के साथ Xiaomi अब की बार आपको इस स्मार्टफोन में 67W की फास्ट चार्जिंग ऑफर करने वाला है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। आप अपने स्मार्टफोन को एक घंटे से नीचे चार्ज कर पाएंगे, बल्कि काफ़ी ज़्यादा कम, तकरीबन ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में आप अपने स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर पाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें स्मार्टफोन में बहुत ही बेस्ट है, लेकिन स्मार्टफोन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रही है। इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस निकल कर आ रही है दोस्तों, वो 80,000+ है, और ये सारा कुछ हो रहा है जस्ट डॉलर की प्राइस की वजह से, क्योंकि जब Xiaomi 11 Lite आया था वो कोई 40,000 के राउंड अबाउट आया था, लेकिन अब इसकी प्राइस डबल जा चुकी है। डॉलर की प्राइस डबल जाने के बाद इस स्मार्टफोन की प्राइस भी अब आपको कोई 80,000 के करीब देखने को मिलेगी। जहां तक बात दोस्तों लॉन्च डेट की है, तो Xiaomi का कोई स्मार्टफोन करीब पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, तो ये स्मार्टफोन एक्सपेक्टेड है इस मंथ के एंड या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट तक पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।